हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम, लघुतम समावर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम में से सभी ने बचपन में दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुतम समावर्तक निकालना सीखा है, बट हम में से बहुत ही कम ऐसे हैं जो इसका रियल मीनिंग जानते हैं कि लघुतम समावर्तक रियल में है क्या चीज़। शुरू करते हैं इस वीडियो में इसका मतलब। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एलसीएम रियल में क्या है उसका मीनिंग जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल को हम बोलते हैं हिंदी में गुणज। अब गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज मतलब जो किसी भी संख्या के पहाड़े में आते हो उन संख्या को हम बोलते हैं गुणज। जैसे कि 2 के लिए जो गुणज है 4 है 6 है, उसी प्रकार से अप टू यहाँ पर मैंने 30 तक लिखा है इसके गुणज, उससे भी आगे हो सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर जो 5 के गुणज हैं वो 10 है, 15 है, अप टू 75 तक मैंने लिखी है गिनती, यहाँ तक और भी हो सकते हैं। अब देखो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलने का मतलब है कि ऐसा गुणज जो दोनों के पास हो और क्या हो, दोनों में दोनों के पास हो और सबसे छोटा हो। देखो वो क्या है, वो केवल 10 ही है। यहाँ पर 10 दो के पास भी है और 10 5 के पास भी है। ओके, तो इससे देखो जो दोनों में कॉमन है, देखो वो तो 20 भी है यहाँ पर, वो तो 20 भी है और 30 भी है यहाँ पर। देखो 30 भी है, बट ये 20 और 30 क्या है, छोटे नहीं हैं। छोटा केवल यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। लोवेस्ट बोलने का मतलब होता है सबसे छोटा, वो केवल 10 है। इसलिए यहाँ पर 2 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ओके, तो यही है रियल मीनिंग ऑफ एलसीएम, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर यदि आपको हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं 2 और 5 का एलसीएम, 2 और 5, ये आपने सीखा होगा तरीका। तो कितना हो गया, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई 2 × 5। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको क्वेश्चन देंगे कुछ करने के लिए। हेलो, वेलकम बैक। तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने कंसेप्ट को कितना समझा है उससे आपका पता लगता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नंबर यहाँ पर क्या है, देखो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसको 2 से लेकर 12 तक किसी भी संख्या से भाग दें तो शेषफल आपका 1 रहता है। ओके, जबकि इसको उसी संख्या को हम 13 से भाग देते हैं शेषफल 0 रहता है। तो हमको वो संख्या निकालनी है, ठीक है ना। और प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत ही विशेष प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर, सॉरी, ये प्रॉब्लम है 3 ब्रोज प्रॉब्लम की है ये ब्रोज। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि मान लो, देखो ये 3 भाई क्या है कि ये घर से बाहर रहते हैं। ओके, इसका नाम ए से स्टार्ट होता है, इसका बी से स्टार्ट होता है और इसका सी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत दूर रहते हैं माँ बाप से, बहुत दूर रहते हैं, जॉब करते हैं बाहर, ठीक है। तो जो ए है वो क्या होता है कि वो 2 महीने बाद घर आता है, आफ्टर 2 मंथ बाद ही घर आएगा। जो बी है वो क्या होता है, 3 महीने बाद। सी, ये सबसे बड़ा है, ये आता है 5 महीने बाद घर आता है। ओके, तो क्या होता है कि उन्होंने एक डिसाइड किया कि जब भी तीनों भाई मिलेंगे यहाँ पर इस घर में मिलेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। ओके, यहाँ पर पार्टी होती है। मान लो कि ये 19 नवंबर को यहाँ पर ये सभी तीनों भाई मिल जाते हैं, ये अभी मिले हैं वो 3 भाई, मान लो यहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये पार्टी कब होगी, किस मंथ में, किस मंथ की कौन सी तारीख को पार्टी होगी अब। ओके, कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, देखो कि आप यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है। कि हम यहाँ मानते हैं कि 30 दिन का हम मानते हैं कि 1 मंथ होता है। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है कि जब ये प्रत्येक भाई क्या करता है, एक ही दिन रहता है, उस दिन आएगा वो और अगले दिन निकल जाएगा। तीनों भाई ऐसे करते हैं, जिस दिन आते हैं वो उस दिन पूरा दिन रुकते हैं, वो ये अगले दिन निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।